वेलकम टू ऑन बोर्ड चैनल एमबीए ट्वेंटी फोर का एग्जाम कैलेंडर के बारे में आज ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे तो मैं सबको बोलूंगा कि मेरा वीडियो को एंड तक देखें और जो नया आया है इस चैनल में थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराना है वो उसको भी बोले, बोल रहे होगी चैनल को थोड़ा ज्यादा सा सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में आपको एमबीए का एग्जाम होने वाला है तो उसके हम क्या करेंगे ना ईच एंड एवरी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द एग्जाम क्या है नेम डेट ऑफ द एग्जाम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट एंड एंड कब से कब वो स्टार्ट होगा कब से कब तक तो वो चलता रहेगा कब एक्सटेंशन होता है एग्जाम फीस कितना है नंबर ऑफ अटेम कितना आप दे सकते हो एंड द मोड मोड के बारे में मैं बोलूंगा ये ऑनलाइन मोड ना तो ऑफलाइन मोड इसमें क्या अप्लाई करेंगे और एग्जाम में क्या होता है वो डिटेल्स में बता देता हूँ ठीक है तो एम का एग्जाम में आपको जो टॉप एग्जाम जो पहले जो हम लोग का दिमाग में जिसका नाम आता है वो है कैट ओके तो कैट एग्जाम इस बार 2023 में होने वाला है 26 नवंबर 26 नवंबर 23 में आपको कैट एग्जाम होने वाला है एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कितना बजे कब से कब तक तो अगस्त 23 से आपको सितंबर 23 ये दो महीना से आपको चलेगा ठीक है अगस्त से तेईस से आपको सितंबर तेईस अगस्त शुरू शुरू तेईस में आपको स्टार्ट हो जाएगा दो तीन तारीख को एंड सेप्टेम्बर लास्ट वीक तक आपको चलता रहेगा ओके एंड एग्जाम फीस क्या होगा जनरल का चौबीस है एंड रिजर्वेशन कैटेगरी का है बारह तो नंबर ऑफ इज वन तीनों स्लॉट होगा सुबह में एक तो दोपहर में एक तो शाम को एक तो उसमें तीनों स्लॉट दो घंटा का एग्जाम है सेक्शनल टाइम लिमिट है ओके तीनों सेक्शन होगा चालीस 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 मिनट का सेक्शनल टाइम लिमिट है तो उसके लिए क्या होगा ना आपको प्रिपेयर बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा तो टॉप एम का जो कॉलेज है उसमें इसी में आता है ओके एंड एग्जाम मोड इज ऑनलाइन मोड ओके दो घंटा का एग्जाम ए मैट का एग्जाम है अक्टूबर से दिसंबर ट्वेंटी थ्री में आप जी मैक का जो आपको जो जी मैट जो होता है एग्जाम तो जी मेट का जो एग्जाम होता है जी मेट का जो कंपनी है जी मैक जी मैक कंपनी भी कॉन्टेक्ट करता है एन मेट को तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इज अगस्त ट्वेंटी थ्री एंड दिसंबर ट्वेंटी थ्री है आप टू चलेगा अट्ठाईस आपका एग्जाम फी है तीनों अटैम्प्ट आप दे सकते हो ओके थ्री अटैम्प्ट दे सकते हो एन एम आई एम एस मुंबई इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ अंडर द एन मेट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं ओके दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन मोड उसके बाद आता है स्नैप सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें क्या है ना जब आपको पंद्रह को सिम्बाइसिस का कॉलेज है एग्जाम इज वेरी इजी एक घंटा का एग्जाम है तो यहाँ पर इस बार नाइन्थ दिसंबर ट्वेंटी थ्री तेईस दिसंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी नाइन डिसंबर ट्वेंटी थ्री में आपको एग्ज़ाम होने वाला है एंड अगस्त तेईस से आपको दिसंबर तेईस ओके okay, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन होते रहेगा ठीक है ना फॉर्म फिलअप करते रहेंगे आप लोग तो उन्नीस सौ रुपया है ईच एंड एवरी स्लॉट का तीनों स्लॉट आप देख सक देख सकते हो नाइन दिसंबर तेईस दिसंबर ट्वेंटी नाइन दिसंबर तीनों एग्जाम आप दे सकते हो उन्नीस सौ रुपया का आपको स्लॉट है लेकिन बात यही है कि आपको जिसमें आपको हाइस्ट परसेंटेज आएगा उसी को कैलकुलेट किया जाएगा ओके सिम्बाइस का एस आई बी एम पुणे एस सी एम एच आई टी का अंडर में आता है ओके दैट इज ऑनलाइन एग्जाम आई आई एफ टी का बारे में बात करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड आई आई एफ टी का खुद का एग्जाम होता है दैट इज फॉर दिल्ली कैंपस कलकाता कैंपस एंड द ककिनाडा कैंपस चौबीस दिसंबर ट्वेंटी थ्री इज एग्जाम होने वाला है इस साल का सेप्टेम्बर तेईस डिसंबर ट्वेंटी थ्री को आपको आपको एग्जाम होगा एंड एन टी ए नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी uh, 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 जो है एन टी एन टी ए का अंडर में आपको आई एफ टी एग्जाम कॉन्डक्ट होगा तो पच्चीस सौ रुपये आपको फीस है एंड स्लॉट इज वन आपको क्या है नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक ही बार आप दीजिएगा ठीक है दैट इज ऑल्सो इन ऑनलाइन मोड जैट एग्जाम ओके दैट इज जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एक्सल आर आई एंड जेवियर कॉलेजेस एज वेल एज समर्ट ऑफ गुड कॉलेजेस आर कॉलेजेसर तो सेवेंथ जनवरी ट्वेंटी फोर से आप आपको एग्जाम होने वाला है 2024 का सात जनवरी एग्जाम होने वाला है अगस्त 23 ट्वेंटी थ्री डिसंबर ट्वेंटी थ्री अप टू तो अगस्त से लेकर के डिसंबर तक तो आपको फॉर्म फिलअप होने वाला है अठारह सौ रुपया फॉर फॉर्म का फीस का है एग्जाम फॉर्म का फीज आपको फीस है नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज वन दैट इज इन ऑनलाइन मोड तो इसमें क्या है ना आपको डिसीजन मेकिंग एक तो नया पोर्सन रहेगा उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है देन दैट इज दीस नेट एज टाटा के अंडर में आता है टाटा ऑफ सोशल सर्विसेज, ओके एंड अलग एग्जाम होता है एट्टीन फेरवरी ट्वेंटी फोर आपको एग्जाम होने वाला है एक्सपेक्टेड है डिसंबर ट्वेंटी थ्री जनवरी ट्वेंटी फोर टू फेबर ट्वेंटी फोर आपको फॉर्म फिलअप होगा ओके दैट इज लास्ट वीक ऑफ दिसंबर हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आपको फेबर का ट्वेंटी फोर फर्स्ट वीक ऑफ फेबर ट्वेंटी फोर आप टू फॉर्म फिलअप हो सकता है थाउजेंड थर्टी आपको फॉर्म का फीस है एंड नंबर ऑफ इज वन एंड ऑनलाइन एग्जाम होता है लेकिन एक क्वेश्चन इज वेरी इजी बट वन थिंग इज यू मस्ट नो दैट इसमें जीके रहता है ओके okay? तो जीके का प्रोसेस करना पड़ेगा एंड सीमेट कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज सीमेट एग्जाम इसमें जेबीआई आता है सी सी आता है वो बड़ा बड़ा कॉलेज आता है बट वन थिंग इसका कैट नहीं अच्छा हुआ जैट नहीं अच्छा वही जनरली सीमेट में अटेंड करता है तो सात अप्रैल दो हजार चौबीस में आपको होने वाला है फेबुअरी चौबीस से मार्च चौबीस तक आपको फॉर्म फिलअप होगा दो हज़ार रुपया जनरल मेल का है, 1000 है का का और है। up, one, होता है। इसमें क्या है एंड एम एच सी महाराष्ट्र सीईटी का है बीस मार्च ट्वेंटी फोर को एग्जाम होने वाला है लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी फोर फॉर्म फिलअप होने वाला है थाउजेंड रुपीज इज द फॉर्म फॉर द जनरल एंड एस सी एस टी का आठ सौ रुपया है एंड जो रिजर्वेशन आपका जो फीमेल कैंडिडेट है उसका भी जरा सा आपको एंड एम कॉम है थाउजेंड रुपीज से और जो आपको ज़रा सा आपको जिसका एम ए महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसको भी थोड़ा सा कॉम है फॉर्म का कॉस्ट आठ सौ रुपया जनरली उसका फॉर्म का कॉस्ट है एंड नंबर ऑफ इज़ वन एंड वॉट इज इन ऑनलाइन मोड एंड आई आई एम कलकाटा का एक तो कॉन्डक्ट करता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स एग्जाम इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम सिक्सटी थ्री आपको सीट है इसमें क्या है ना जेई मेंस का मैथमेटिक्स का सिलेबस प्लस कैट का सिलेबस ओके मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत स्टेज देता है चौबीस मार्च ट्वेंटी में होने वाला है जनवरी चौबीस से मार्च ट्वेंटी आपको फॉर्म फिलअप आप होगा एंड पच्चीस सौ रुपये आपको फीस है जनरल का एंड एस सी एस का बारह सौ पचास रुपये फीस है एंड नंबर ऑफ एटम्प इज वन दैट इज इन ऑनलाइन मोड बट इन दिस कैपेसिटी क्या होता है देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट बट क्वेश्चन इज वेरी हार्ड इसमें क्या होता है ना मैथामेटिक्स का जो क्वेश्चन है क्वांट का क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है सो दिस इज द स्लॉट एंड द एग्जाम कैलेंडर ऑफ मैं एम बी ए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का है तो मैं ज़रा सा बता दिया हूँ ऑलरेडी तो जरा सा जो नहीं देखा पहले से वीडियो को एंड तक तो घुमा करके देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सो दिस इज़ द थिंग एंड मैं सबको बोलूँगा कि मेरे चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब करो तो ऐसा क्या है ना जो बहुत डिस्कशन होने वाला है बहुत सारा नया चीज़ का एंड थैंक्स फॉर द वचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन थैंक यू